गाइस, तो ये एक मोरल स्टोरी है होमवर्क नॉट डन करके। आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। अरे यार, कितना सारा होमवर्क आया है, कितनी देर में मैं करूँगी? मैं तो करती हूँ, बुक बंद कर देती हूँ। पनिशमेंट मिलेगी तो क्या होगा? कोई पेरेंट्सों को थोड़ी ना बुलाएंगे। हाँ मम्मी, मैं सो रही ओके बेटा, ध्यान से जाना, मैम का कहना मानना। बेटा, तुमने होमवर्क किया या नहीं किया अभी तक? ओके बेटा। हाँ, आज कोई तुम्हारा टेस्ट है क्या आज? ओके, ध्यान से लिखना, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, पढ़कर लिखना, आराम से अच्छा काम करना और गुड मार्क्स लाना। ओके बाय। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम, कैन आई सिट? यस, यू कैन सिट हियर। डिड योर होमवर्क? यस मैम। डन? यस मैम। कैन यू शो योर बुक? यस मैम, आई विल शो। मैम सी। बेटा, होमवर्क कहाँ किया है तुमने? बोली 3 दिन कहीं पर, और 3 दिन की छुट्टी भी गई है, फिर भी आपने अपना होमवर्क नहीं किया। मैं क्या करूं? मेरे है ना होमवर्क लेके आई थी, लेकिन मेरा है ना पेपर कुत्ते ने खा लिया। ओह माय गुडनेस, कुत्ते ने खा लिया? हाँ, वो कैसे, कहाँ रखी थी आपने? 5 दिन से यही बहाना बता रही हो, दूसरा कोई बहाना नहीं। मैम, मैं क्या करूं? मैं 4 दिन से यही बहाना नहीं लेके घुस रही हूँ। हमारे है ना एक बहुत ही बेकार कुत्ता है, जो पूरे दिन हमारा खाता रहता है। बेटा, ये बात अच्छी नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। आप बेटा, हर रोज आप तो अलग अलग बहाने बनाते रहते हो। अब मैं बड़ी तंग आ रही हूँ तुमसे। अब मैं आपके पेरेंट्स को जरूर बुलाऊंगी। नो मैम, नहीं, बुलाना ही पड़ेगा, मुझे कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। नहीं, कंप्लेन करनी पड़ेगी और मैं आपकी डायरी में भी नोट डालूंगी। आपको कल आपके मम्मी पापा दोनों को बुला के लाना है। ओके मैम, ओके मैम, जरूर 10 o'clock आ जाना है। हेलो, बस अब मैं आपको अपने टेस्ट की तैयारी के लिए गई थी, तैयारी की है, मैं ये पूछना चाहती हूँ तो कैसे आपने तैयारी कर रखी है? स्पेलिंग लर्न करी है आपने? हाँ मैम। ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि आपने क्या लर्न करा है, कितनी तैयारी की, वरना मैं आप तुम्हारे पेरेंट्स को जरूर ही इस बार तो बुलाने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट वन इज सीड दैट हैव 2 सीड्स, लीव्स आर डैश डायकोटिलेडॉन। और स्पेलिंग बताओ? DICOTYLEDON। हाँ, स्पेलिंग तो राइट बोली आपने। चलो सेकंड वाला, वेरी गुड। सेकंड वाला, डैश इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए स्पर्म। मैम, जर्मिनेशन। ओफो बेटा, दिस इज रॉन्ग, ये कैसे राइट हो सकता है? जर्मिनेशन की स्पेलिंग भी आती है मुझे। नहीं, ये आंसर ही रॉन्ग आपने लर्न किया है। बताना क्या मुझे, बता पहले तो। सर है सेकंड वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। अब मैं आपको थर्ड वन पूछ रही हूँ। ओके मैम, मुझे थर्ड वन तो 101% आता होगा, मेरी मम्मी ने टेस्ट लिया है मेरा। फिर देख लेती हूँ मैं आपने क्या तैयारी कर रखी है। ओके मैम, मैं तो ट्यूशन भी जाती हूँ, ट्यूशन में 3 घंटे का जाती हूँ। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे। नहीं, वहां पर भी आप ऐसे ही बैठे करके टाइम वेस्ट करती होगी और अपने मम्मी पापा का पैसे खराब करती होंगी। ग्रोइंग ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड डैश। मैम, स्पोर। दिस इज आल्सो रॉन्ग। फिर क्या आप तैयारी करके आए हो? नहीं नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाना ही पड़ेगा। मैं मुझे नहीं, अब तो कल ही मैं नोट डाल देती हूँ और फोन करके भी आपके मम्मी डैडी को मैं बता दूंगी 10 o'clock इधर प्रेजेंट होना, ताकि उनको बता सकूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यही बात
मैं आपके प्रिंसिपल तक पहुंचाऊंगी। देखो दूसरे सब बच्चे कैसा पढ़ करके आए और उनके आगे तुम कैसे पढ़ कर आई, देख लो आप, पता चल सकता है ना कैसा पढ़ा है आपने, अच्छी बात नहीं है। और इसलिए प्रिंसिपल को मैं बता दूंगी, तो आपके मम्मी पापा को प्रिंसिपल मैम से बात करनी पड़ेगी और आप इसका क्या नतीजा होगा आपको पता है। बस यहीं पर ये क्लास खत्म हो रही है, अब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए जा रही हूँ। ओके मैम, अब सॉरी मैम। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़कर तो आना ही पड़ेगा, पढ़ाई बिना कुछ काम नहीं चलना है। मैम मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। नमस्ते मैडम जी, आपने बुलाया था? बुलाया था। अच्छा ये पूछना था आपने क्यों बुलाया था? अरे क्या बताएं, आपका बच्चा देखो ना। अरे मैडम जी उसने मुझे बताया, मैंने आपका रिमार्क पढ़ा, लेकिन वो मुझे रोज बोलती है मैंने सब पढ़ा है, और ये भी बोलती है मैंने सब पढ़ा है, वो लिखती भी है, अब पता नहीं वो क्या लिखती होगी। नहीं नहीं आप उसको उस पर ध्यान नहीं देते हो। नहीं मैडम जी, 3 घंटे वो जाती है ट्यूशन, ट्यूशन की टीचर भी बोलती है उसको, वैसे ट्यूशन का होमवर्क भी वो करती नहीं है, पर फिर भी मेरे को पूछना पड़ेगा। करो मैडम जी, वैसे ये तो बताओ ये क्या नहीं करती है? ये ना क्वेश्चन से लर्न करके आती है, ना एक टीचर का कहना मानती है, ना टाइम पर अपनी नोटबुक्स लाती है, किसी बात में कोई परवाह नहीं करती ये। आपको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जी मैडम, मैं अगली बार से रिमार्क लाने जैसा नहीं करूंगी, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी। नहीं नहीं ये गलत बात है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, पहले कितनी समझदार थी, आजकल कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फोन इसको दे रखा है आपने। मैडम जी वो ले लेती है, छीन लेती है, अब उसमें हम क्या करें? नहीं नहीं ये बहुत बुरी बात है, अब आपको फोन अपने पास ही रखना होगा, आप भी फोन थोड़ा कम देखा करो। जी मैं तो बहुत कम लेती हूँ, वो ही ले लेती। बच्चे मम्मी पापा की बात को ही फॉलो अप करते हैं, वो देखती होगी कि आप पूरे दिन बातें करते रहते होंगे अपने सहेलियों से, और या ऑनलाइन मतलब प्रोग्राम देखते रहते होंगे, इसलिए आपकी बच्ची को ध्यान ही नहीं है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाती हो। मैं अगली बार से पक्का ध्यान दूंगी। ये लास्ट वार्निंग है, अब इसके बाद यदि हुआ तो आपकी बेटी को हम TC दे देंगे। नो मैडम, मैं अगली बार से बिल्कुल ध्यान दूंगी, उसको फोन टच भी नहीं करने दूंगी। ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है। ओके मैम।